सर मेरा वर्बल बहुत वीक है, हाउ टू इम्प्रूव माई वर्बल, दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग अबाउट द वर्बलेबिलिटी। सो दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर वर्बलेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वर्बल वीक नहीं है, आपका एक्यूरेसी इज अ मेन प्रॉब्लम। फाइन, इफ यू रिमेंबर यर आर सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी आर डूइंग फ्रॉम स्कूल डेज, आई स्टिल रिमेंबर क्लास फिफ्थ में हमारा आर सी स्टार्ट हो गया था। दे यूज टू गिव अ स्मॉल पैराग्राफ एंड यूज टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन पैराग्राफ। सो वी डो वी नॉट वीक इन आर सी, वी अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द प्रॉब्लम इज द एक्यूरेसी। अपने मार्क्स नहीं आ रहे, वी नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स। पांच क्वेश्चन के बाद में दो ठीक हुआ, एक ठीक हुआ। सो दैट्स अ मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम वी हैव। सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू एड्रेस दैट इशू ऑफ रीडिंग। फाइन, सो नंबर वन, वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम इज नॉट इन रीडिंग, द प्रॉब्लम इज विद द एक्यूरेसी। सो ठीक है, तो वो मन से निकालते हो कि मेरा इंग्लिश वीक है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द इंप्रूविंग माई एक्यूरेसी। द मोमेंट यू थिंक दैट वे, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग गुड। ठीक है, बिकॉज वी मूव द फोकस फ्रॉम अ हायर थिंग इन टू अ स्मॉलर थिंग। ठीक है, दैट्स नंबर वन थिंग विच आई वॉन्ट टॉक अबाउट। ठीक है, सेकेंड थिंग इज नाउ इन द एग्जाम ऑल दिस इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस आर मोर ऑफ अ नॉन फैक्चुअल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ इंडिया पाकिस्तान वॉर का आर सी, मोस्ट ऑफ अस विल रीड द आर सी एंड थिंक अबाउट इतने टैंक्स थे, इतना अटैक किया, इतना आदमी डाइड, इतना इंजर्ड, दैट्स वॉट वी टॉक अबाउट। सो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्या हुआ, बट वी डोंट टॉक अबाउट क्यों हुआ, जबकि एग्जाम में क्यों आने वाला है कि ये क्यों हुआ। आरोग्यटिंग माई क्या वर्सेज क्यों, सो ऑल द क्या वाला क्वेश्चन आर आउट ऑफ द एग्जाम्स। कैट ले लो, स्नैप ले लो, सी ई टी ले लो, ऑल द इन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आउट। क्या हुआ, हाउ मनी टैंक्स हुआ देर, हाउ मनी दीज गाइज हुआ देर, अब ये टॉपिक नहीं आने वाला। द मेन टॉपिक विच यू गोइंग टू गेट इज क्यों हुआ, वाई ऑथर वॉज थिंकिंग दैट वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर कैट पेपर आउट ऑफ 24 आर सी क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हैड द वर्ड ऑथर। वाई ऑथर हैव यूज दिस, वाई ऑथर सेड दिस, वाई ऑथर डिड दैट। सो वी हैव टू रीड फ्रॉम क्या टू क्यों पार्ट। ठीक है, नाउ ऑन द मेन पोर्शन पार्ट इज द रीडिंग पार्ट। ठीक है, यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग, दैट्स अ मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम। स्पीड रीडिंग के नाम पे बहुत बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियोज हैं, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, बिकॉज वी नो हाउ टू रीड। यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड, दो दो वर्ड छोड़ के पढ़ो, तीन तीन वर्ड एक साथ पढ़ो, बहुत ज्ञान का आपको दिखेगा, लोग पीपल रिकमेंड यू। बट द मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम इज वी लैक नॉट स्पीड, द प्रॉब्लम इज कॉम्प्रिहेंशन। स्पीड पे पढ़ लिया लेकिन जब तक समझा नहीं तो क्यों, फिर क्या एडवांटेज है उसका। तो नीड टू अंडरस्टैंड, स्पीड कम कर दो चलेगा। इनफैक्ट आई एम ओनली पर्सन रिकमेंडिंग यू टू रिड्यूस योर स्पीड। फाइन, पहले स्पीड कम करो, लेट्स ट्राई टू रीड द थिंग, ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल। सो गिव मी वन मंथ का टाइम, आई विल हेल्प यू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड ओवरऑल इन वन मंथ का टाइम। सो व्हाट यू डू नाउ इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड ऑल ठीक है, बट स्टार्ट रीडिंग नॉवल्स। फाइन, व्हाट आई नॉर्मली रिकमेंड फॉर वन मंथ, रीड फिक्शन नॉन फिक्शन, फिक्शन नॉन फिक्शन। फिक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विद चेतन भगत का 5.1 इफ नॉट रेड दैट, और अमीश त्रिपाठी का जो टॉल जी आया था, तो पिक अप वन नॉवल, इजी नॉवल टू रीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5.1 वेरी गुड इंग्लिश, वेरी इजी इंग्लिश, यू कैन कंप्लीट द नॉवल इन वन डे, दो तीन चार घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। सो वहाँ से शुरू करो, रीड वन फिक्शन, एक और फिक्शन, देन मूव टू नॉन फिक्शन। So even I still, when I read alternate fiction, non-fiction, fiction, non-fiction, so that I don't get bored very easily. ठीक है, that will help you build your reading comprehension. सब बंद कर दो, आर सी वार सी पैरा जम्बल कुछ काम नहीं आने वाला। यू कैनॉट सॉल्व पैरा जम्बल पैरा कम्प्लीशन आर सी अनलेस यू हैव डन योर रीडिंग पार्ट सॉर्टेड। सो सॉर्ट आउट योर रीडिंग पार्ट, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाला। एक मन डालो, कुछ मत करो, ग्रामर वोकैब चलता रहेगा अलॉन्ग विद दैट्स ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द रीडिंग बेस्ड थिंग, जहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे, एंड द कैट पेपर ग्रामर इज जीरो, वोकैब इज जीरो, द ओनली थिंग विच इज कमिंग इज रीडिंग। 34 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग। फाइन, सो गिव वन मंथ का टाइम, रीड अराउंड 6-8 नॉवल्स टू गेट यूज टू दैट। ठीक है, एंड हिंदू पीपल रिकमेंड हिंदू पढ़ो, बे तो साला कभी टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ पाता तो हिंदू कहाँ से आएगा। सो फर्स्ट वन मंथ रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन जो भी न्यूज़पेपर घर था ईजी वाला। वॉन्स यू गेट यूज टू दैट थिंग, देन वी कैन मूव टू हिंदू। डोंट डायरेक्टली जम्प ऑन हिंदू, इट विल बैकफायर, ट्रस्ट मी इट विल बैकफायर। ठीक है, तो एक महीने के लिए आर सी वाजी सब बंद करके ट्राई टू रीड नॉवल्स एज मच एज पॉसिबल। ऑनलाइन पढ़ना है, पेपर पर पढ़ना है, द वे यू वॉन्ट, आप नॉवल्स पढ़ो पहले। ठीक है, रीडिंग इंप्रूव करो, एक बार वो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग हो गया, आगे जाके बहुत एडवांटेज मिलेगा। आफ्टर वन मंथ वी कैन गो टू कॉम्प्रिहेंशन अदर थिंग्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट।